टाइम क्या हुआ है? 11:30 मैडम। सुंदर का फ्लैट कहाँ पर है? है? पहले सीधा जाने का, पछि गार्डन आएगा, फिर खाने वाले हाथ की तरफ मुड़ जाओ। तेलुगु नहीं हिंदी मूवी देखेंगे, कम से कम सबटाइटल नहीं देखना पड़ेगा। सबटाइटल के चक्कर में पूरी मूवी ऊपर से चली गई। अगर मेरे पास तकिया होता तो मैं वहीं सो जाती। इससे कहीं ज्यादा अच्छी हॉरर फिल्म्स होती हैं। लगता है तुम्हें हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद? पता नहीं इससे क्या मतलब? मतलब मूवीज में जो दिखाते हैं वो भूत पिशाच आत्माएं, अब कौन जाने वो होती भी है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो होती हैं। जैसे दिन होता है तो रात होती है, जैसे अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। उसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, जिसे हम भूत आत्मा या पिशाच के नाम से जानते हैं। अब जर्नलिस्ट ने कहा है तो कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी इसमें। इसका मतलब तुम्हें भी इन बातों में थोड़ा बहुत विश्वास है? नहीं, मतलब ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं है और ना ही मैं बिलीव करता हूँ। आदित्य उधर देखो। कहाँ देखो? व्हाइट साड़ी में एक औरत, उसके बाल खुले हुए हैं, उसने हाथ में मोमबत्ती पकड़ी है, वो सामने से आ रही है। हाँ, देखिए क्या खूबसूरत है यार। तुम जरा उतर जाओ, मैं उसे ले जाता हूँ। आदित्य, तुम भी बाकी लड़कों की तरह चांस मार रहे हो ना? क्या मतलब? लड़की को पीछे बिठाया नहीं कि ब्रेक मारना शुरू ताकि लड़की और करीब आ जाए। हेलो, बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है, और वैसे भी ये बाइक मेरे भाई की है। विरासत में मिली। क्या, है। क्या 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 मूवी के लिए थैंक्स, आई हैड अ रियली बोरिंग टाइम। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है। क्यों नहीं? मतलब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, नहा धोकर सज धज के आई हो ना, इसलिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोज नहाती नहीं हूँ? हाँ, एक्चुअली तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो रचना। मतलब तुम मुझे रोज ध्यान से देखते हो। अब क्या करूँ मैडम, पेशा ही ऐसा है, क्राइम रिपोर्टर जो हूँ। इसका मतलब तुम दूसरों को भी ताड़ते रहते हो? हाँ, नजरें सिर्फ उसी को देखती है जिसे देखकर सुकून मिले। अच्छा, फ्लोटिंग पे ब्रेक लगाते हैं, कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय बाय। यहां पर आइए। यहां पे ए विंग में B2 फ्लैट कहां पे है? वो मेरा फ्लैट है। ओ, जरा 2 मिनट रुकिए सर। हाँ, हम जिस लड़की की तलाश कर रहे थे वो यही लड़की है। रचना तुम्हारे ही नाम है? मैं ही रचना हूँ, बात क्या है सर? 1 घंटे पहले तुम्हारे फोन पे फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? अच्छा, वो आपका कॉल था। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं सिनेमा हॉल में थी। सिनेमा? अभी तुमको जिसने ड्रॉप किया कौन था वो? सर हुआ क्या है, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने पूछा कौन है वो? मेरा फ्रेंड है।
फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? सॉरी, मैं जवाब नहीं दूंगी। आखिर ये सब क्या चल रहा है? गाड़ी में बैठो, पुलिस स्टेशन में समझाता हूँ। लेकिन सर, मैं आप लोगों के साथ क्यों आऊँ? आप रॉन्ग एड्रेस पर आए, प्लीज चेक कीजिए। हम रॉन्ग एड्रेस पर आए हैं? ये तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ, मेरा है। चुपचाप गाड़ी में बैठो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना लोग अपने फोन पे वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देंगे। वो चलेगा तुम्हें? बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बैठ के करेंगे। बैठो, चलिए चलिए, गाड़ी में बैठाइए। सर, ए चल चल चल, अंदर बैठ, चल सर, गाड़ी में बैठ, चल बैठ। तुम्ही सर, बोला ना आपको कोई गलत फहमी हुई है सर, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, पता चलेगा। हाँ सर से कहो लड़की मिल गई है, हम लोग स्टेशन आ रहे हैं। इसका फोन क्यों नहीं लिया? फोन छीनो इससे। सर सर प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ऑफिस तेरा बॉयफ्रेंड है ना? ये वर्मा वाइन्स में कुछ राड़ा हुआ है, एक यूनिट भेजो वहां पे। क्या है कि कल रात को ही हमारे बीच में झगड़ा हुआ था सर। झगड़ा? कैसा झगड़ा? रोज लड़ते थे क्या? क्या तुम्हारा पति दारू पीकर तुमको मारता पीटता और गाली देता था? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। तो फिर कल रात को जब वो ऑफिस से घर लौटे और डिनर के लिए बैठे, तो मैंने कहा कि अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हुआ। वो बहुत गुस्से में थे, फिर मैंने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। जॉब? कैसी जॉब? कहाँ अप्लाई किया था? मैंने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया था सर, सिर्फ अप्लाई करने की बात कही थी, और इसी बीच ये सब हो गया। खुद को संभालिए, हम आपके साथ हैं। कमला, एक ग्लास पानी लेकर आओ। ओके सर। ये लो पानी। पानी पीजिए। आपको बड़े साहब ने अंदर बुलाया है। चल जल्दी चल। सर अंदर ही है ना? अंदर ही है सर। जरा वो फाइल्स लेकर आ। आराम से पीजिए।